हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया ठाकुर। आई होप अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ हो जाओ। आज मेरा जिम स्किप हो गया, मतलब मॉर्निंग में। मैं तो जा तो कभी भी सकती हूँ, बट मॉर्निंग वाला स्किप हो गया। द रीज़न आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, क्योंकि मतलब मुझे बहुत डिजीनेस फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। जब ज़्यादा वॉक कर लेती हूँ शायद मैं भी उसके वजह से, क्योंकि मैं 3 दिन से लाइक डेली 20K प्लस ही वॉक कर रही हूँ, द रीज़न आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। बट मैंने मेरे डाइटिशियन से बात किया, दैट ऐसा ऐसा है, तो शी सेड कि मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ कैलोरी डेफिसिट के वजह से हो रहा होगा। बट ठीक है, नाउ आई एम वेल। तो मैं ये व्लॉग अभी कितने बजे, 11:30-12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रोटियाँ बना रही हूँ एक्चुअली। आजकल मेरा नया भूत सवार हुआ है, पहले मैं रोटी सारे बेल लेती हूँ और फिर उसको सेकती हूँ अगर आराम से, पता नहीं क्यों ऐसा। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे बेल के रख लेती हूँ पहले और फिर मैं उसको अच्छे से तवे पे सेकती हूँ जाके, पता नहीं क्यों मेरा नया क्रेज चालू हुआ है। बट ठीक है, चलो बेल लेते हैं पहले। ऐसा मेरी दादी करती थी एक्चुअली, 2-3 रोटी एक साथ सेकती थी। बचपन में से मैं उनको देखती थी और मैं सोचती थी मैं भी ऐसा कभी ट्राई करूँ। हमेशा से शौक होता है ना कि जो मतलब बचपन में देखते हैं बड़ों को करते हैं वो हमें करना होता है वैसा वाला। तो मेरा भी बहुत मन होता था कि मैं भी ना कभी ट्राई करूँ कि 2-3 रोटियाँ इसे डाल के। बट अब तो मैं मतलब प्रो हो चुकी हूँ रोटी बनाने में, तो फिर मैं कर लेती हूँ आराम से। बट ये मेरी इच्छा है कि मैं अपनी दादी को जाके मेरे हाथों की रोटियाँ खिलाऊँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक कभी खाई नहीं है। तो आई एम गोना, अभी मैं जाऊंगी तो मैं पक्का उनको सबसे पहले रोटियां खिलाऊंगी अपने हाथों के, खाए खाए। फिर मैं उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनवाऊंगी। आप लोगों को भी टेंशन मत लो गाइस, मेरे को जान दो। वो क्या देखने आए थे हम? छुपा के रखा है ये खजाना। देखने के लिए मेरी मम्मी मुझे उठा के लेके आई थी गाइस। वो घर पे हम इतने कंफर्टेबली बैठे हुए थे, मैं अभी नीचे से आई, मैं शांति से बैठ के पानी पी रही थी, मम्मी ऐसे बुलाई, मेरे को लगा क्या आ गया। आ जाओ थोड़ी उनसे भी बात करते हैं। बताओ आंटी, क्या देखने बुलाया था आपने हमें? फिर हमने थोड़े से नारियल पानी ऑर्डर किए थे घर पे ही, तो फिर हम लोग मम्मी वही खोल के दे रही थी। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट कीपिंग वेल, मतलब उनको सर्दी ज़ुकाम हो गया है। तो फिर हम लोग नारियल पानी यहाँ पे मम्मा सबको दे रही थी, कि मतलब 3 ही थे और हम 4 लोग थे, क्योंकि मेरे को याद नहीं था कि दिया भी स्कूल से आ चाहिए, इसलिए मैंने 3 ही ऑर्डर किए थे। बट तो मैं क्या करूँ, मेरे को ये बताओ। प्लीज भगवान, आज मैम ये ना ओरल ना ले, सब टीचर बिजी हो जाए, कुछ कर ही ना पाए। मुझे बैठने के लिए बोला, गेट अप गेट अप गेट अप। तो पीयू के सेम के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, वाइवा एंड ऑल, तो फिर मैं उसको उसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मतलब इतना डांट डांट के पढ़ा रही थी उसको मैं, क्योंकि वो मतलब बिना मस्ती के उसका कोई काम होता नहीं है। फिर वो 2:30 को स्कूल गई, पापा उसको लेने आए थे, एंड देन फिर मैंने अपना लंच किया, फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस एंड सम सलाड्स। तो फिर मैंने भी अपना लंच ख़त्म किया एंड देन फिर बाय सिटी, टीवी देखने का टाइम नहीं है, दफ़ा हो जाओ, बाय। मैंने सोचा कि हम थोड़ा कुकीज़ बनाते, कुछ तो करते हैं। आंडू गांडू ठंडा पानी, ये व्हीट फ्लावर, ये तो है ये सब, ये मैंने डो बना लिया है, ये है पीनट बटर। इफ़ अगर आई होप अच्छा बना तो मैं पक्का रेसिपी बताऊंगी अगर अच्छे बने तो, अदरवाइज नहीं। लेट्स वेट फॉर इट। देखो एक बार बोले, गाइस मेरी आंखों के सामने मैकडी खाया जा रहा है। इस आंटी ने मुझे ट्रीट नहीं दिया, लेकिन सबने मैकडी खा लिया मेरे बिना। पैसा ले जाओ, कमेंट करेगी।
मेरी माँ मुझे वैसे कमेंट करेगी, दे आर हैविंग मैकडी गाइस, तुम सबका पेट दर्द होगा, समझ रही हो आंटी, मैं कमेंट करूंगी, जिसको पैसा दी थी मैं उसका पैसा उसको सेविंग करके मैकडी थोड़ी खा सकता हूँ मैं, नहीं गाइस आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। हाँ तो मैं ये कह रही थी हमारे घर का हॉल का लाइट बॉक्स वो जो है क्या हो गया, उड़ गया, उड़ा नहीं है, कैसे उड़ गया, जगह पे ही है वो, उड़ा नहीं है गाइस, वो उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। किसके रिव्यू, कुकीज के रिव्यू अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा बोल, अच्छा था सच्ची में, अच्छा था, किसने बनाया था। फिर हमारा लाइट ठीक करने के लिए अंकल आ गए थे, तो फिर मम्मा उनको टॉर्च से मतलब अंदर लाइट दे रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था तो अंधेरा हो ही रहा था, क्योंकि मतलब ये लाइट का प्रॉब्लम हमें हर महीने होता ही है, तो हमने इसको प्रॉपर ठीक करवा, क्या पूछा आपने उनको, इलेक्ट्रिशियन से ये सवाल, फिर मम्मा ने पूछा अंकल को कि अंकल चाय पियेंगे, तो फिर मैंने चाय बनाई उनके लिए, और अंधेरे में बना रही थी इसलिए पूरा सब इधर उधर पूरा फैल चुका है, फिर जैसे उनको चाय वाय दिया फिर लाइट आ गई, फिर मम्मा ने पूछा क्या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।